I uh -huh. अल्लाह everyone welcome वेलकम बैक टू हमारी ब्लॉग्स कैसे हैं आप लोग सब उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे तो ये है जी सुबह का टाइम और नाश्ते के बाद का टाइम है और मैं करने लगी थी सफ़ाई तो अम्मी ने कहा भाई ये कोना सबसे पहले तुमने ना साफ़ कर कर लेना है क्योंकि ये ना ज़रा बिखरा हुआ हो रहा था और यहाँ की सफ़ाई नहीं हुई थी तो मैंने बोला चले मैं यहाँ की सफ़ाई कर लेती हूँ और यहाँ पर मुझे जगह भी बनानी थी, थी कूलर रखने के लिए क्योंकि कूलर हम रखते है हैं फ़्रिज के बराबर में तो अम्मी ने बोला यहाँ पे कूलर बिल्कुल सही रहेगा ऊपर रख रह दो तो मैंने बोला चलो ठीक है फिर ना सफ़ाई करने लगी थी और सारी चीज़ें मैंने वहाँ से हटाई अच्छा यहाँ ये जो हमारा कॉर्नर है ना यहाँ पर हम प्याज रखते हैं और प्याज के अलावा आलू वगैरह आलू लहसन वग़ैरह यहाँ पर रखते हैं तो ज़रा रीच में रहती है और आराम से हम यहाँ से ले हम इस्तेमाल में ले लेते हैं तो ये अक्सर फैला रहता है मकसद ये था ये हिस्सा अक्सर फैला रहता है मतलब यहाँ पे ना एक्स्ट्रा वाली चीज़ें रखी जाती हैं ज़्यादातर और या तो ये होता है कि पतीलियाँ वग़ैरह जब गर्म होती है ना चूल्हे पे से हटा के हम इस तरफ़ रख देते हैं अच्छा खैर उसके बाद फिर मैं कूलर धोने लगी थी अच्छा कूलर का इस्तेमाल हमारे यहाँ सर्दियों में भी होता है वो यूँ क्योंकि भले हम इसमें बर्फ़ ना डालें लेकिन ना जो बाहर से पानी आता है ना पीने वाला तो वो हम कूलर में डाल देते हैं तो आराम से ना निकालने में मसला नहीं होता तो पूरी सर्दी भी हो या गर्मी हो कूलर का इस्तेमाल तो हमारे यहाँ रहता ही रहता है तो खैर इसको वॉश करके आ, इसको रख दूँगी वहाँ पर और उसके अलावा वहाँ की जितनी चीज़ें थी मतलब वो ग्लास वगैरह भी वहीं पर हम रखते हैं उसी कॉर्नर पर उसी साइड पर तो वो भी मैंने वॉश कर लिए थे ताकि मतलब उसको भी एडजस्ट करके, करके समेट के रखने थे और थोड़ा सा आपको किचन फैला हुआ लग रहा होगा क्योंकि सुबह का टाइम है और अभी क्लीनिंग नहीं हुई थी अच्छे से मतलब किचन वगैरह में आपको बर्तन वगैरह दिख रहे होंगे क्योंकि नाश्ते के फौरन बाद का टाइम है अच्छा जल्दी जल्दी इसलिए हो रहा था ये काम क्योंकि फिर हमें जाना था बाहर कुछ सामान खरीदने के लिए रमज़ान की हमारी अच्छी वाली शॉपिंग स्टार्ट हो गई है हाँ रमज़ान की हमारी वाकई फाइनली फाइनली रमज़ान की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और बहुत ज़रूरी वाला जो हमें रमज़ान के लिए लेना था तो वो लेने के लिए जाना था जिसकी वजह से हमें कूलर की जगह भी चेंज करनी पड़ रही हाँ असल में किचन में थोड़ी सी जगह बनानी थी और चीज़, चीज़ें वगैरह समेटनी थी तो ये वाला काम पहले इसलिए करना जरूरी था ज़रूरी था और हमें जाना भी जल्दी था तो फटाफट वाले मेरे ना ये काम हो रहे थे और रमज़ान में ये होता है रमज़ान से पहले पहले ये होता है जितने हो सकता है ना जहाँ जहाँ की सफाइयाँ करनी हैं जो जो समेटना है पहले से कर लो तो बहुत अच्छा हो जाता है खैर यहाँ पे आलू वगैरह जो आलू हैं आलू को आलू की बास्केट में मैं डाल दूँगी और उसके ऊपर वो ना शक्करकंदी की ना अम्मी ना अम्मी ने ला रखी हुई थी और मुझे ना ये साफ़ करते हुए ख्याल आया मुझे शक्करकंदियाँ बनानी थी और जो कि मैंने बनाई नहीं अम्मी डांटे नहीं इससे पहले मैं बना लूँगी क्योंकि वो रखे रखे ना ऊपर से थोड़ी सी मुरझा जी मुरझा जाती हैं <laughs> अच्छा है। हाँ ना जाहिर सी बात है उस पर झुरियाँ आ जाती हैं खैर यहाँ पर जो चीज़ें वगैरह समेट रही है और हमें क्या लेने जाना था वो मैं बता देती हूँ हमें लेने जाना था अपने घर के लिए रेफ्रिज रेफ्रिजरेटर और नहीं, फ्रीजर फ्रीजर सॉरी हाँ। ये बच्ची है मुन्नी है हाँ इन्हें हाँ पता हाँ नहीं क्योंकि 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 फ्रीजर लेने जा रहे थे हम पहली बार हमारे अच्छा खर हमारे घर में, में पहला फ्रीजर आ रहा था इससे पहले कभी भी हमने फ्रीजर नहीं खरीदा फ्रिज तो जाहिर सी बात है हमेशा से रहा है तो कभी इतनी नीड नहीं थी अच्छा इसकी नीड हमें तकरीबन कुछ तीन चार साल से है और बहुत ज़्यादा हैगी तो क्या कहते हैं हम लोग काफ़ी टाइम से अम्मी अबू को थोड़ा सा मना रहे थे खैर वो मान गए और इस साल हम लोगों ने डिसाइड किया था हमारी लिस्ट में ऐड था कि हमने रमज़ान से पहले ये ज़रूर ख़रीदना है और आइडिया ये था थोड़ा सर्दियों में ख़रीद लेंगे ताकि ये होगा कि थोड़े वो कम रेट पर मिल जाता है ऐसा होता है कुछ ना दस बारह का डिफरेंस आ जाता है आ जाता है और बाकी ही था और हम बताएँगे भी पे कि शॉप पर जाके क्या क्या हुआ और हमने सोचा क्या था और क्या किया तो खैर हम जा रहे थे हैदरी मार्केट जा रहे थे तो वहाँ से आइडियली ये था कि ना, वहां से ना क्योंकि अपलायंसेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं हैदरी मार्केट से तो हम वहाँ चले गए थे और मतलब ये जो हम जा रहे हैं डॉलमन मॉल से आगे की तरफ जा रहे हैं इस तरफ से अगर देखा जाए मतलब वो <laughs> आगे जाके सर्विस रोड हाँ। की तरफ जाके ना आ, कुछ शॉप्स होंगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का सामान मिलता है तो खैर यहाँ पर अच्छा ये इस मार्केट में हम पहली बार आए थे इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेने के लिए इससे पहले हम एक दो मार्केट सर्च कर चुके थे तो हमें समझ में नहीं आया था अच्छा समझ में क्यों नहीं आया था वो इसलिए नहीं आया था क्योंकि हमें लेना था वर्टिकल फ्रीजर ना तो जब वर्टिकल फ्रीज़र लेना था वो इसलिए लेना था एक तो स्पेस भी कम है कम है हमारे पास दूसरा आप जब रेंट हाउस में रहते हैं तो आपको स्पेस का बड़ा इशू रहता है कि आपको नहीं पता होता अगला घर अगर, अगर आप, आपको चेंज करना पड़ गया तो किस टाइप का होगा कितनी स्पेस होगी तो ये मालूम नहीं होता है खैर तो इस वजह से भी और दूसरा हमें अट्रैक्टिव बहुत लगता है और हमें यह था बड़ा स्मार्टली इसमें सामान आ जाता है ना तो इसलिए हमको वो लेना था लेकिन वहाँ जाने के बाद हमारे इरादे थोड़े चेंज हुए इसलिए क्योंकि हमारा दिल टूट गया हम बड़े शौक से लेने गए थे वर्टिकल फ्रीज़र ना लेकिन हमारा दिल क्यों टूटा वो बताती हूँ फिलहाल अभी हम ये देख रहे थे जो ये टू डोर वाला जो फ्रीज़र और फ्रिज होता है ना तो ये देख रहे थे ये था साढ़े तीन लाख रुपए का आहा, आहा, बहुत अच्छा लग रहा था बहुत अच्छा लगा सबसे अच्छा मुझे यही लगा लेकिन हमारे इधर आप कह रहे पहुंच से बहुत ज्यादा दूर था साढ़े तीन लाख रुपए का था और ये है वर्टिकल फ्रीजर तो इसको हमने जब आके चेक किया ना तो खैर चेक करने के बाद हम थोड़े डिसपॉइंट हुए वो इसलिए क्योंकि इसकी क्वालिटी हमें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी एक तो इसकी दराज़े बहुत हल्की वेट की थी दूसरा ये हमारा जो क्या कहते हैं शॉप कीपर थे उनसे हमारा सवाल था कि मतलब ये टूट भी सकती हैं तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल टूट सकती हैं और अगर ये टूट गई तो आपको दोबारा आप ढूंढते रह जाएंगे कहीं नहीं मिलेंगे दूसरा माइनस पॉइंट इसका ये था कि इसकी जो दराज़े हैं ना उन पे सब पे नाम लिखे हुए उसी हिसाब से उनकी कूलिंग होती है मतलब हर दराज में अलग, ऐसा नहीं है आप मिक्स सामान रख सकते हैं तो खैर दिल तो हमारा था यही लेने का लेकिन हमें शॉपकीपर ने मना किया उन्होंने कहा कि इसके रिव्यूज़ कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है लोग लेके तो चले जाते हैं लेकिन दो महीने बाद वापस कर जाते हैं इसके अंदर आइस बहुत ज़्यादा जम जाती है और इसकी स्पेस और कम हो जाती है मतलब इसकी दराज का जो गहराई थी ना वो पाँच इंच थी तो हमें ना ज़रा वो लगा कि यार हम फंस रहे हैं दूसरा ये मुझे ये था इसकी दराज़ों में ज़रा खुलासा होगा ना मतलब अच्छी चौड़ी होंगी इतनी चौड़ी दराजें नहीं हैं मतलब नॉर्मल जो फुल साइज़ का फ्रिज होता है ना उससे छोटे साइज़ का है ये ये पूरा जो हाँ। हमारा घर का ही फ्रिज है ना पूरा ओवरऑल तो उससे छोटा साइज़ का है और उसके अलावा ये पतला भी है मतलब इसमें अगर हम कुछ रखना चाहेंगे ना तो इसमें जब इसकी दराज़ों में भी इतनी ज़्यादा आइस आ जाएगी तो रखने में भी मुश्किल होगी प्लस अगर ज़ोर से हम खींच के निकालेंगे तो दराज़ टूटने का भी क्योंकि वो बहुत ज्यादा तो हो गए। हो गए। अच्छा, और इसी के हिसाब से, मैं पहले से ही सर्च करके थी, तो इसी के हिसाब से हम ना सोच समझ के हमें पता ये वन लाख रुपीज का समथिंग का है तो हम लेने तो यही गए थे लेकिन शॉपकीपर ने भी बहुत ज्यादा हमें समझाया अब्बू को समझाया अब्बू ने कहा अब्बू को भी वो हुआ कि नहीं नहीं ये नहीं लेना चाहिए हम ना कहने लगे कि क्योंकि की क्योंकि जाहिर सी बात है हम अपनी सहूलियत की चीज ले रहे थे और जरूरत की चीज ले रहे थे तो उसके हिसाब से लेना चाहिए तो खैर हमने ये चकोर वाला जो होता है फ्रीजर, फ्रीजर वो ले लिया फाइनली हमने हायर कर लिया है और मॉडल नंबर मुझे याद ही मीडियम साइज़ का लिया है एक इसमें छोटे साइज़ का भी होता है और एक मीडियम साइज़ का होता है इसमें तीन या चार साइज़ होते हैं तो नंबर टू साइज़ वाला है ना वो हमने लिया है हाँ ये लिया है इसका मॉडल नंबर अभी वाकई याद नहीं अच्छा ये हमने लिया है इन्वर्टर और इसके प्राइस में बता देती हूँ अभी क्योंकि बहुत सारे सवाल आने वाले हैं प्राइस कितने थे प्राइस कितने थे तो ये हमने सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ का लिया है जबकि जो हम वर्टिकल पसंद करने गए थे और जो हमें लेना था ना वो वन लैक फिफ़्टीन थाउजें उेंड रुपीज का था हाँ वो कुछ इतना ही था और कुछ कम ऐसे ये बताया था हमें के इसमें अगर आपको लेना है तो लीजिएगा तो खैर अगर आप लोग यूज करते बताइएगा इसके वर्टिकल हाँ वर्टिकल अगर तो बताइएगा इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट हमें जो लगा वो सही था कि नहीं क्योंकि हम फर्स्ट टाइम खरीदने जा रहे थे और ऐसा नहीं है एक बार खरीद लो फिर دوباره دوترا خریدلو खैर हमने चकोर वाला फ्रीज़र ले लिया है फ़ाइनली फ़ाइनली और हमने ये हायर का लिया है अगेन प्राइस बता देती हूँ सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ का लिया है और बस इस वक्त हम ना चेक कर रहे थे कि ना अच्छा इसका ये यूँ करके हो जाता है क्योंकि हमारा ये फ़र्स्ट फर्स्ट वाला एक्सपीरियंस है फ्रीज़र ही हमारे घर में पहली बार आया है खैर हमारी बहुत ज़रूरत थी तो लाना भी ज़रूरी था और हमने ये अपना प्लान बनाया हुआ था कि ये रमज़ान से पहले पहले लाना ही लाना है ज़ाहिर सी बात है फिर जो भी हम तैयारी वगैरह करेंगे तो उसमें हमारी आसानी हो जाएगी आसानी भी हो जाएगी बहुत सहूलत भी हो जाएगी तो खैर इसको फिर हमने ऑन कर दिया था ऑन करके छोड़ दिया था और अबू ने कहा कि खैर ये कितनी देर में बर्फ़ जमाएगा तो चेक करने के लिए एक जग के अंदर पानी डाल के इसमें रख दो तो खैर वो भी मैंने रख दिया था तकरीबन दो तीन घंटे के अंदर इसने ना बर्फ़ जमा दी थी खैर इसको हम बंद करके चले गए थे अपने दूसरे कामों में बिजी हो गए थे और फिर शाम के टाइम पे हमें लगी कुछ हल्की फुल्की सी भूख और खाना पक रहा था तो हमने कहा हम क्या खाएं क्या खाएं फिर मैंने कहा चलो ये बंस रखे हैं मैंने तो से कहा चलो मैं तुम्हें आज एक बेहतरीन सी चीज़ खिलाती हूँ कहने क्या खिलाओगी मैंने कहा चलो चूल्हा स्टार्ट करो तवा रखो मैंने इनकी शक्ल देख रही थी कि ये करने क्या जा रही है मतलब बन्द पे मक्खन लगाते हैं मक्खन ले तो खड़ी हुई हैं लेकिन ये बोलिए तवा ऑन करो तो मैंने खैर तवा मतलब जला दिए चूल्हा जला दिया था इन्होंने ना बटर डाला ये उस पर तवे पे उसके बाद ये मैंने फैला दिया इसको अच्छे से ताकि पूरे बन के ऊपर ना अच्छे से लग जाए जब बहुत सारा बटर नहीं डाला था मैंने वन टी के बराबर ऐड किया था अब इसको हल्के हाथ से मैं घुमा रही हूँ ताकि इसके ऊपर सारा अच्छे से ना बटर लग जाए बेसिकली करना क्या आता है इसको मुझे टोस्ट करना था अच्छे से बटर के साथ इसलिए किया है ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और ये मीठे वाले बन जो होते हैं ना कभी अगर आपने इस तरह से टोस्ट करके नहीं खाएं तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा इसको खाइएगा या तो मलाई और चीनी के साथ या फिर इसको खाइएगा जैम के साथ मीठे वाले बनों को ना या तो आप

तब भी आपको खाने में मज़ा आएगा लेकिन मक्खन बहुत हल्का सा लगाइएगा बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा कि अंदर तक चला जाए अच्छा खैर यहाँ पर हमारे पास जेली थी आ, ये एप्पल जेली है हाँ तो वो मैंने इसके ऊपर अप्लाई करी थी हल्की सी लेयर लगाई थी क्योंकि यूँ ही सी मिठास बस चाहिए थी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ऑलरेडी बन इतना मीठा होता है तो बस ये ऐड करा उसको हल्का सा स्प्रेड करा और फिर हम चारों ने इंजॉय किया इसको बहुत वाकई बहुत ज़बरदस्त वाला लग रहा था और इसका जो असल में सीखने के बाद जो इसका ज़ायका निकल के आया ना बन का तो मैं अपिये से कह रही थी यार काश फ्रेश वाली मलाई होती उसके साथ चीनी डाल के हल्की सी फिर क्या मजा आता है तो ठंडी मलाई हो गरम गरम बन हो ना तो फिर बहुत मजा आएगा हाँ खैर कभी ट्राई कीजिएगा अगर इस तरह से सेक के नहीं आपने ट्राई किया है तो मतलब तवे पे सेक के ना मक्खन के साथ ना वो मक्खन का भी एक ना वो सौंधी सोधी सी खुशबू आती है तो वो भी बड़ी अच्छी लगती है खाने में खैर मुझे तो बचपन का याद नहीं कि इस तरह अपिया खाती थी लेकिन अपिया बता रही कि इस तरह से ना अपिय ने कभी कभार जैसे अकेले में बैठे कभी इनका दिल चाह तो इन्होंने करके मतलब किचन भी खा के नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है अपने पास से कुछ भी बोल रही है याद नहीं आ रहा था जोया को अच्छा याद ही नहीं आ रहा था पता नहीं क्यों मैंने कहा यार हम लोग इस तरह से खाते थे तो भाई के साथ खाते हो ना आप नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है मैं तो खेलती रहती थी ना मैं तो बहुत वो थी अल्लाह बह� अच्छा अच्छा हमने वो खा लिया था और उसके बाद फ्रिज को आके मतलब फ्रीजर को आके चेक किया तो माशाल्लाह से इसमें बर्फ़ जम गई थी और मतलब वो जो वो रखा था ना उसमें एक लेयर आ गई मतलब हमें तसल्ली हो गई नहीं एक लेयर नहीं आई थी अच्छी खासी जम गई थी पूरा नहीं जमा था पूरा अच्छे से लेकिन जम गया था और अम्मी ने ना ट्रे निकाली बड़े साइज की हम ट्रे लेकर आए थे आइस क्यूब की रमजान के लिए अम्मी ने इसमें इसको भर के रख दिया था ताकि वो भी ज़रा सा ना सेटल हो जाए तो थोड़ा बहुत सामान रखा है आहिता आहिस्ता करके हम सेट करेंगे अपना सामान इसके अंदर और जो सेट करेंगे इन शाला कोशिश करेंगे आपके साथ भी शेयर कर दें खैर इसमें फ़्रेंच फ्राइज़ वग़ैरह जो भी फ्रोज़न आइटम्स थे वो ज़ाहिर है वो ही हमें रखना था तो वो हमने रख दिया था और बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम से कोशिश थी और ये सोचा हुआ था कि आ जाए आ जाए फ़ाइनली फ़ाइनली रमज़ान से पहले पहले फ्रीज़र आ गया, गया। शुक्र अलहमदिल्ला खैर अल अच्छा खैर रात का टाइम है मतलब रात के खाने का टाइम है मतलब हम लोगों को एक बार भूख लग जाती है ना खाना नहीं खा रहे तो हम भी रहते हैं। <laughs> अच्छा मैं लेकर आई भी थी। फ्लोर। बोला ऐसे है कि एक बार हमें भूख लग जाए तो फिर हम खाना जो शुरू करते हैं ना तो, तो हम, हम दूसरे दिन तक तो खाते रहते हैं और बहुत सारे लोगों को यही लगता होगा कि हम एक बार खाना जो शुरू करते हैं ना तो हम ना राशन का पैकेट लेके बैठते हैं और एक हफ्ते में खत्म कर देते हाँ, हैं और अच्छा, हम सब कच्ची दालें भी खा लेते हैं हम, हाँ, पता एस है? ऐसी ऐसी है।, एस है। <laughs> देखे ना जोए का साइज हम लोग अच्छा खैर यहाँ पर मैं बता दूँ, मुझे ना टेम्पुरा बैटर मिला था बैटर नहीं सॉरी फ्लोर मिला था तो ये ना इटालियाना का था और इटालियाना सही इटेलीनो हाँ इटलीआनो का था सॉरी तो क्या कहते हैं ये मैंने ख़रीद लिया था मुझे इसको चेक करना था असल में पाकिस्तानी ब्रांड है ये और बाहर का जो कोई हम ब्रांड लेते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है तो मैंने कहा एक बार इसको ज़रूर ट्राई करूँगी तो मेरे पास मैरिनेटेड चिकन था रखा हुआ उसको मैंने एक पैकेट निकाल लिया था उसका और एक ब्रेस पीस है तो उसके अंदर मैंने बस थोड़ा सा सोया सॉस क्योंकि पहले से उसमें मसाला लगा हुआ था और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल के उसको मैंने मिक्स कर लिया था अब इस बैटर के लिए चाहिए होता है सोडा वाटर मेरे पास था नहीं या फिर आप ठंडा पानी ले लें एग, एग भी इसके अंदर ऐड कर सकते मैंने नहीं ऐड किया था क्योंकि मुझे ना वो क्रिस्पी वाला ना वही लुक चाहिए था तो एग से ना सम टाइम ऐसा होता है कि ना ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं ना टैम्पूराज जो हम बनाते हैं तो खैर यहाँ पर हमारे पास प्रॉन्स थे नहीं तो हमने कहा चिकन के साथ हम बना लेते हैं एक टेस्टिंग भी हो जाएगी और आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर लूँगी तो बस यहाँ पर ठंडा बिल्कुल ठंडा या पानी लेना है अगर आपके पास नहीं है तो आइस क्यूब्स ऐड कर दीजिएगा बैटर के अंदर ही क्योंकि इसका बैटर जो है ठंडा होगा तभी वो क्रिस्पी और अच्छे से बन के तैयार होता है अब करना क्या है इसके अंदर बस आपने चिकन को डिप करना है और इसको हाई फ्लेम पे आपने फ्राई कर लेना है लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा नहीं तो इसके अंदर वो जाल नहीं आता है और वो जो बैटर है ना वो लाइट और फ्लफ़ी नहीं बनता मतलब ये फ्राई होने के बाद भी फ्लफ़ी होना चाहिए टेम्पूरा का एक्चुअली होता ही इसी तरह का है तो खैर इसको मैंने ना जब बैटर बन के तैयार हुआ ना तो मैंने कहा यार ये बैटर बहुत अच्छा है क्योंकि उसका ना एक स्मूथनेस और उसकी फ्लफीनेस बता रही थी मतलब बेटर ही थोड़ा सा ना वो हो गया था आप कह रहे हैं थोड़ा सा ये राइज़ हुआ था मतलब कुछ डाला हुआ होगा इसके अंदर लफी हाँ। हो गया था क्यों आ, शायद इसमें बेकिंग पाउडर वगैरह कुछ तो इसमें ऐड हुआ हुआ होगा जिसकी वजह से ये राइस भी हो गया था और उसके बाद अपिया ने एक एक करके बोटियाँ इसमें डिप करी और अपिया ने फ्राई करना स्टार्ट किया और दिखें मतलब इसी वक्त अभी ना कलर नहीं आया है लेकिन ये अच्छे खासे क्रिस्पी हो गए थे और इसी वक्त हमें अंदाज़ा हो गया था ये वाकई में टेम्पूरा बहुत अच्छा बन तैयार होगा तो ना चिकन टेम्पूरा बन रहे थे बड़ी ज़बरदस्त वाली खुशबू आ रही थी और खाना ही पहले से रेडी था ये था ये ना एक साइड लाइन पे एक थोड़ा सा हम बना लेते हैं मुझे ट्राई भी करना है और एक आप लोगों के साथ भी रिव्यू शेयर हो जाएगा कि कैसा है हमारा कैसा एक्सपीरियंस है क्योंकि कोई चीज़ नहीं आती है तो मुझे ये होता है मैं ट्राई तो करूँ इसको कि एक्चुअली ये है कैसी और वैसे भी हमारे जो जितने भी पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं आजकल हम बड़े ब्रांड कॉन्शियस हुए हुए हैं तो पाकिस्तानी ब्रांड्स के हवाले से तो फिर हमें अगर कुछ नई चीज़ आई है तो उसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए खैर इसका रिज़ल्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा टेन ऑन टेन था आप लोगों ने अभी तक ट्राई किया है या नहीं किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अच्छा ये मैं बता देती हूँ टेम्पूरा मिक्स कहाँ से मिला या टेम्पूरा फ्लोर कहाँ से मिला ये हम स्पार और स्पार पे रखा होता है क्योंकि जहां पे भी इटालियानो के सारे प्रोडक्ट्स वगैरह रखे हुए होंगे वहां पे आपको मिल ही जाएगा और वैसे भी जो करीबी जो स्टोर्स होते हैं ना घर के पास वाले जो स्टोर्स होते हैं वहां पे भी मिल सकता है समटाइम्स ना जहाँ पे एसेंस वगैरह रखे हुए होते हैं ना इटालियानो वगैरह के ये वाली चीजें भी रखी होती हैं बेकिंग पाउडर वगैरह वहां से भी आपको मिल सकता है है ना पिया हाँ वहां से भी मिल जाएगा और इसके और भी नए प्रोडक्ट्स थे मैं एक एक करके ट्राई करूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इधर में चेक कर रही थी मैंने का यार वाओ, बहुत अच्छा बन गया और जरूरी नहीं है से आप चिकन के साथ इस्तेमाल करें आप पोटैटो के साथ बना सकते हैं और फिश के साथ बना सकते हैं प्रॉन्स के साथ तो आपको पता ही है मशहूर है किसी भी वेजिटेबल के साथ भी ना आप इसको डिप करके फ्राई करें और इन्जॉय करें बड़ा जबरदस्त था अच्छा ये ना था भी थोड़ा सस्ता मतलब टू हंड्रेड टू के दरमियान था कुछ इस तरह के इसका रेट तो बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं था तो इसलिए मैंने ले भी दिया था खैर यहाँ पर हम इसको ट्राई कर रहे थे उसके बाद हमने इसको खाने के साथ ही सर्व किया था खाने के साथ ही खाया था खाने में अच्छा अम्मी ने बनाई हुई थी चने की दाल गोश्त जो कि अम्मी ने बड़ा ही ज़बरदस्त बनाया था चने की दाल गोश्त और वो हमने <laughs> रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि हम अपने दूसरे कामों में बिजी थे जाहिर सी बात है हम जरा समेटने में और काम करने में बिजी हुए हुए थे तो फिर हम रेसिपी तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते थे खैर मैं यहाँ पर खा रही थी टेम्पूरा और इतना अमेजिंग बना हुआ था और अच्छा खासा क्रिस्पी था मतलब बहुत जबरदस्त वाला क्रिस्पी था और उसमें ना प्रॉपर जाल आया जैसा होना चाहिए ना टेम्पुरा के ऊपर हाँ। उस तरह से प्रॉपर जाल आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई मैंने कहा चलो यार अच्छी चीज मिल गई और सस्ती चीज मिल गई हाँ मैंने अपी से कहा प्रिया प्लीज अपना अच्छे वो बड़े वाले ना जरूर लेकर आना उसके साथ बनाना फिर मजा आएगा फिर पूरा खाएंगे है ना आ, फिर बड़ा मजा आएगा बाजार में बहुत महंगे मिलते हैं <laughs> है। आप रेस्टोरेंट जाए इतने एक्सपेंसिव होते हैं यार, भी अच्छे खासे एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं खैर अः फिर उसके बाद हमने पहले वो ट्राई किया और फिर हमने दाल गोश्त खाया जो कि अम्मी ने बनाया हुआ था बहुत मजेदार घुटा हुआ सा ना बनाया था और अच्छा पता है ये होता है अक्सर ना अम्मी की चीज़ें इतनी मज़ेदार बहुत शानदार बन जाती है पता है क्या अम्मी ना चढ़ा के ना ड्रामा देखने बैठ जाती है चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं <laughs> हम कभी कभार अम्मी को बोलते हैं देखिए अम्मी, अम्मी का रिकॉर्ड लगाते कभी ये उबार? ना ड्रामे का सर है अम्मी देखें ये अच्छी बुन गई थी क्योंकि आप ड्रामा देख रही थी यार भुनना क्या है जाहिर सी बातें सब्ज़ी या जो भी कोई गोश वगैरह है उसको छड़ा के आपने दूसरे कामों में लगना है या फिर अगर कोई और कोई काम नहीं तो आप टीवी देखेंगे और क्या करेंगे और क्या मसरूफत होती है खैर ये तो घर में नोक झोंक और ये थोड़ा सा चलता रहता है और मज़ा भी आता है इससे असल में ये अम्मी को छेड़ती है बहुत है इसलिए ना इधर भी आप लोगों को बता रही है अच्छा खैर इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़